एवरीवन, ईट यम्मीशियस पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नान खटाई, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको पसंद आती है, क्योंकि इसका स्वाद ही इतना स्वादिष्ट होता है कि ये सबको अच्छी लगती है। ऊपर से ये पूरी तरीके से देसी होती है, मतलब इसे बनाने के लिए किसी भी सामान को बाजार में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादातर चीजें घर पर ही मौजूद होती है। और मैं आपको इसे थोड़ा सा और स्पेशल तरीके से बनाना बताऊंगी। हम इसे बिना ओवन के कढ़ाई में बनाएंगे। सोचिए, कढ़ाई में हम बनाएंगे नान खटाई, तो हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल ही आसान, और साथ ही इसके अब बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और हम इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इस नान खटाई को बनाने के लिए मैं सिर्फ दो ही चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ एक छलनी में हम डालेंगे 3/4 कप बेसन, और बिल्कुल इसी के सेम इक्वल अमाउंट में हम लेंगे 3/4 कप मैदा। तो जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूंगी। ना तो हम इसमें सूजी मिलाएंगे, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, ना ही GMS पाउडर वगैरह, जो कि मार्केट में हमें काफ़ी ढूंढना पड़ता है। तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे एक बार फिर से छानने के बाद, और इनको हम रख देंगे साइड में आराम करने के लिए। इतने में हम दूसरा काम कर लेंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पिसी हुई चीनी। यहाँ पर मैंने 3/4 कप चीनी को मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर तैयार किया है। बेसिकली अगर आपको थोड़ी सी मीठी नान खटाई पसंद है तो आप इसमें एक्स्ट्रा चीनी मिला सकते हो, कम मीठी पसंद है तो इसमें चीनी कम भी कर सकते हो। तो चीनी का पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप देसी घी, जो कि सर्दियों के कारण काफ़ी अच्छे से जमा हुआ है इस तरह से। अब हमें इस देसी घी में चीनी को पहले अच्छे से मिक्स करना है, जिसके लिए अभी क्योंकि घी एकदम से जमा हुआ है, एकदम कड़क जमा हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएंगे 1 या 2 टेबल स्पून के आसपास, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे पहले। तो पहले इन दोनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है, और उसके बाद हम इन्हें फेंटना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, चीनी का पाउडर और घी एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमें इसे एकदम अच्छे से फेंटना है, और अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है इसे फेंटने में, क्योंकि ये काफ़ी थिक है। तो इसमें मैं 1 टीस्पून दूध और मिला लूँगी, और दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक एकदम अच्छे से फेंटना है। इतना इसे फेंट लेना है कि ये एकदम क्रीमी हो जाएगा, एकदम क्रीम के जैसे फुला फुला नज़र आएगा। तो इसके लिए ये बीटर का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन बाई चांस अगर ये आपके पास नहीं है तो हाथ से भी ये काम किया जा सकता है। तो ये देखिए, इसी तरह से फेंटते हुए मुझे पूरे 3 मिनट हो गए हैं, और इतने में ये जो मिक्सचर है ये एकदम अच्छे से क्रीमी नज़र आ रहा है। आप देख ही रहे हो, एकदम से वाइटिश हो गया है और व्हिप क्रीम की तरह दिख रहा है ये। तो इसे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये एकदम परफेक्ट है। तो इतना हमें इसे फेंट लेना है, एकदम क्रीम की तरह इसे तैयार कर लेना है। अब हम इसमें मिला लेंगे ये छान कर रखा हुआ बेसन और मैदा, और इसी के साथ इसमें हम कुछ और चीज़ें भी मिला लेंगे, ताकि हमारी जो नान खटाई बनकर आए वो बहुत ही टेस्टी बने। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये 3 से 4 इलायची के दाने। इलायची का पाउडर तो हम इसमें डालेंगे ही, लेकिन साथ ही में इलायची के दाने भी डालेंगे, ताकि जब खाते समय ये एकदम से मुँह में आएंगे तो मुँह में स्वाद घुल जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से क्रश किए हुए पिस्ता। यहाँ पर आप आपकी पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। साथ ही में थोड़ा सा इसे खाते समय एकदम से क्रंची वाला क्रंच लाने के लिए हम इसमें डालेंगे ये 1 टेबल स्पून चीनी। यहाँ पर जो रेगुलर चीनी है मैं वही डाल रही हूँ, अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी वाली चीनी है तो आप वो इस्तेमाल करना। अब बस इन सभी चीज़ों को हमें अपने हाथों से हल्के से मिक्स करना है। गूंथना बिल्कुल भी नहीं है आटे की तरह, इस तरह से इसे हम कलेक्ट करते जाएंगे, और थोड़ी ही देर में ये एकदम डो की तरह इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी, तो ये देखिए, इस तरह से जब सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी तो ये एकदम से डो की तरह तैयार हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो नान खटाई के लिए हमारा जो डो है वो बन करके बिल्कुल तैयार है, और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह का ही होना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई को ओवन बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ये बड़ी वाली कढ़ाई ली है, जिसके अंदर मैंने कोई भी रेत या नमक का इस्तेमाल तो नहीं किया है, लेकिन ये एक स्टैंड को रख दिया है, जिसकी जगह पर हम कोई भी जाली, कोई भी रिंग वगैरह रख सकते हैं हमारे नान खटाई के प्लेट को हीट से थोड़ी सी ऊँचाई पर रखने के लिए। फिर हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे, और 6 से 7 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे, प्री हीट होने देंगे इसे। अब इधर हम नान खटाई बनाने के लिए थोड़ा सा डो अपने हाथों में लेंगे, और
इसे हल्का सा दबाते हुए इसकी बॉल बना लेंगे और फिर इस तरह से इसे चपटा कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर आप जिस भी साइज में चाहते हो नान खटाई को बना सकते हो, थोड़ी सी बड़ी साइज में, छोटी साइज में, लेकिन मैं थोड़ी सी जंबो साइज में नान खटाई को बना रही हूँ। तो इतना बड़ा मैंने इसका पेड़ा लिया है और इस तरह से मैंने इसे चपटा करके तैयार किया है। अब हम इसकी थोड़ी सी सजावट भी कर देते हैं। तो थोड़े से पिस्ता लगा लेंगे हम इस पर, इस तरह से ऑप्शनल है बिल्कुल पूरी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से लगा लेंगे और फिर हम इसे एक एल्यूमिनियम की या कोई भी बेकिंग की प्लेट में रख लेंगे जिस पर हमें हल्का सा तेल लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये 5 नान खटाई को शेप देकर तैयार कर लिया है। इधर हमारी कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है, तो सावधानी से इसका ढक्कन हम हटाएंगे और पूरी सावधानी से एहतियात से हम ये नान खटाई की प्लेट को इसमें रख देंगे क्योंकि कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म है। तो सावधानी से इसे रख देते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा कम कर देंगे और ढक्कन से इसे अच्छे से पैक कर देंगे, अच्छे से इसे बंद कर देंगे। हीट ज़रा सी भी बाहर नहीं आनी चाहिए और लगभग 10 से 15 मिनट तक के लिए हम इसे इसी तरह से बेक होने देंगे। ढक्कन वगैरह हटाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर और ग्लास का लीड है तो ऑब्वियसली हमें सब दिख ही रहा है। तो ये देखिए अब हमारी जो नान खटाई है ये एकदम अच्छे से फैल गई है, दिख ही रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से बेक हुई है। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है। इसकी पहचान ये है कि जब हमें इसके किनारों पर थोड़ा सा डार्क कलर नज़र आने लगे, मतलब ये है कि नान खटाई अच्छे से बेक हो चुकी है। तो पहले इस प्लेट को हम केयरफुली इसमें से बाहर निकाल लेते हैं और फिर एक एक नान खटाई को हम धीरे से निकाल करके किसी भी जाली पर या वायर रैक पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हमारी खस्ता खस्ता नान खटाई बन करके तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमारी ये कढ़ाई वाली नान खटाई बन करके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और ये जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब हम इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं और जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए हम इसे खा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो आपने देखा कि सभी चीज़ें हमारे घर पर ही मौजूद है और बनाना भी इसे एकदम आसान है बिना ओवन के और बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ को बाज़ार से ढूंढ ढूंढ कर लाने के। हमें आसानी से इसे घर पर भी बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह से इसे बनाइए, सबको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल ईट यम्मीशियस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस खस्ता खस्ता नान खटाई एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मीशियस।